उदयपुर में एक छात्र पर चाकू से हमले की आक्रोश की आज देर शाम राजसमंद में भी देखी गई, जहां हिंदू संगठन के बड़ी संख्या में युवा कांकरोली के मुख्य चौपाटी चौराहे पर एकत्रित हुए। वहां काफ़ी देर नारेबाजी का दौर चला और आक्रोश व्यक्त किया गया। टायर जलाकर और अलग अलग नारों के साथ इस पूरे के पूरे प्रकरण के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग की गई और साथ ही भविष्य में ऐसा कोई प्रकरण ना हो इसके लिए भी प्रशासन को चेताया गया। जैसा कि आपको पता है कि उदयपुर में आज एक घटनाक्रम हुआ जिसमें कि भटियाणी चौहटे के एक सरकारी विद्यालय में एक छात्र पर चाकू से हमला किया गया। छात्र गंभीर स्थिति में MBU अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उसके बाद उदयपुर में पूरे दिन विरोध प्रदर्शन का दौर चला, बाजार बंद करवाए गए, आगजनी भी देखी गई और देर शाम होते होते राजसमंद में भी अब उस पूरे प्रकरण को लेकर एक विरोध दर्ज करवाया गया है। सुनिए आखिर क्या कुछ कहा वहाँ पर उस मौजूद पदाधिकारियों ने। संपूर्ण देशवासियों से आग्रह है इस घटना का पुरजोर विरोध किया जाए। प्रशासन से भी निवेदन है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। राजसमंद में भी पहले इस प्रकार की कई घटनाएं हो चुकी है, चाकूबाजी, कोई गोलीबारी, ये सब घटनाएं क्यों हो रही है, इसका कारण क्या है? इसका मतलब ये है कि नहीं, प्रशासन के प्रति भय नहीं है। अगर प्रशासन इनके प्रति अगर भय बनाए तो इस प्रकार की घटनाएं होनी नहीं चाहिए। कोई भी चीज, कोई भी केस होता है छोटे मोटे में रफा दफा कर दिए, ऐसा क्यों? उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और यदि कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हिंदू समाज स्वयं सक्षम है कार्रवाई करने में। अगर ये स्कूल में चाकू लेके जाते हैं तो आसपास के क्षेत्रों में भी चाकू लेके घूमते होंगे। प्रशासन की एक एक की छानबीन करें और इनको टारगेट करके, अगर 10 साल के बालक इस तरह की घटना कर देते हैं तो इस्लामिक कट्टरपंथी में कितनी कट्टरता होगी हिंदू समाज के प्रति। अब आप खुद, आप चैनल मीडिया के माध्यम से कलेक्टर साहब ने खुद कहा है इस तरीके की घटना निंदनीय है। इस विषय में मैं समस्त हिंदू समाज को जागरूक करने के लिए बोलता हूँ और प्रशासन से ये चेतावनी, प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूँ मैं। प्रशासन इसको हल्के में नहीं ले और हिंदू समाज अब दुर्लभ समाज नहीं रहा है। हिंदू समाज अपने आप को लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन कानून की मर्यादा में लड़ता है हिंदू समाज। संविधान की मर्यादा में रहकर हिंदू समाज धरना प्रदर्शन करता है, इसका मतलब प्रशासन इसको हल्के में नहीं ले। प्रशासन को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि इनको टारगेट करके जो इन लोगों के घर पे, इनके जो मदरसे चलते हैं उनमें छानबीन करें, अन्यथा हिंदू समाज चुप बैठने वाला नहीं है। अगर इस तरीके की घटना होती रहेगी तो हम प्रतिकार करने के लिए तैयार है, सक्षम है हिंदू समाज और हिंदू समाज के युवक कोई हाथ में हाथ चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं। प्रशासन इस चीज़ को गंभीरता से ले और मैं प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूँ उनकी छानबीन करे, नहीं तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। उदयपुर की जो ये घटना हुई आज वो अपने हिंदू समाज के लिए बहुत घातक है और ऐसी अगर आगे चलती रहेगी ये घटनाएं तो विश्व हिंदू परिषद कभी शांत बैठने वाला नहीं है और कार्यकर्ता इतने मजबूत हो गए हैं कि अब लड़ने के लिए तैयार है। अगर आगे प्रशासन ध्यान नहीं देगा तो अगर कुछ भी घटना होगी तो प्रशासन उसका